आज हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग निकालने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने सामने एप्पल रखा है। जैसे जैसे आपको एप्पल का शेप दिखेगा वैसे वैसे आपको ड्रॉ करते जाना है। पहले हम पेंसिल से स्केच आउटलाइन बना के लेंगे। एप्पल का जो डीप पोर्शन है उसे भी आपको ड्रॉ करके लेना है, जिससे आपको कलर करने में आसानी होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शेडो दिख रही है, उसे भी आपको ड्रॉ करके लेना है। अगर लाइट का इफेक्ट राइट हैंड साइड पे है तो आपको शेडो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगी। अगर लाइट लेफ्ट हैंड साइड पे है तो शेडो राइट हैंड साइड पे दिखेगी। येलो कलर से स्टार्ट करेंगे। पहले वाटर कलर हम कभी भी देंगे तो लाइट कलर से स्टार्ट करना है हमें। ये शेप में येलो कलर का इफेक्ट भी है, इसलिए हम येलो कलर का भी यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। साइड पे शेडो दिख रही है, वो साइड पे हमें डार्क कलर का यूज़ करना है। उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्लैक और रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ डार्क शेड के लिए। थोड़ा सा ऑरेंज कलर का भी इसमें इफेक्ट आएगा तो हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी देंगे। जैसे आपको सामने से एप्पल दिख रहा है वैसे वैसे डार्क लाइट शेड्स आपको देना है।
राइट साइड पे लाइट का इफेक्ट दिख रहा है, उसके लिए हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा वाइट कलर से हम उसे लाइट का इफेक्ट डालेंगे, थोड़ा सा येलो ऐड करके उसे स्प्रेड करेंगे। शैडो के लिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे और थोड़ा सा उसे बाद में स्प्रेड करते करते लाइट करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।